एक ये इन्फेक्शन होते हैं जो कि के संपर्क में आने से जो है ना एक दूसरी मुर्गी के संपर्क में जाएंगे, दूसरी मुर्गी को जो ना वो बीमार। तो मैंने उन्हें दो तरीके बताए थे मेरे भाई को। एक तरीका बताया था मैंने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूँ जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो भी हर्ष पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई आज जो है मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा मुर्गे के नाक से जो पानी निकल रहा है, नजला है मुर्गे को, और मुर्गा जो ना मुंह खोल के जो सांस ले रहा है, किस वजह से सांस ले रहा है, उसका क्या इंतजाम करें ताकि हमारा मुर्गा जो है ना फिर से ठीक हो जाए। ये ट्रीटमेंट जो है ना आप कबूतर के उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने कबूतर मुर्गों पर भी, मुर्गी मुर्गाओं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दरअसल बात क्या है, कोई मेरे जो है वीडियो देखने वाले मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरे मुझे जो है व्हाट्सएप पे जो है मुझे कमेंट करा है, बाकायदे जो है उसकी वीडियो बना के मुझे शेयर करी है। बड़ा अच्छा शौक है मेरे भाई का, खूब अच्छी बात हुई थी उनसे, उन्होंने अपने शौक का मुझे वीडियो बनाकर मुझे वीडियो सेंड करी थी, अपना शौक कराया वीडियो के माध्यम से। बड़ा अच्छा शौक है उनका, ज्यादा बड़ा शौक नहीं है लेकिन जो भी है दो चार मुर्गियां वो अच्छी है, एक नर है ब्रीडर है, बड़ा अच्छा मुर्गा है उनके पास। ठीक है, लेकिन क्या है उनके मुर्गे में एक उनके पास पट्ठा है जो मैं अभी आपको वीडियो में उसका शौक कराऊंगा। एक उनके पास जो ना एक पट्ठा है जो कि जो ना मुंह खोल के जो है सांस ले रहा है और बता रहे हैं कि नजला भी है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मुर्गा था, आप मुर्गे का शौक करें। ठीक है, ये इन्होंने मेरे से बात करी थी कमेंट पे भी और वैसे भी मेरी बात हुई थी मेरे भाई से, तो मेरे भाई बता रहे हैं कि जो ना मुर्गे को नजला है और जो है मुंह खोल के सांस ले रहा है। दरअसल क्या है, जब हमारे मुर्गे का इम्यून सिस्टम जो ना वो बिगड़ जाता है, लड़खड़ा जाता है, तो वो जो ना बीमारियों का लपेटे में आई जाता है। तो ऐसा इंतजाम रखें ताकि हमारी मुर्गी जो ना वो मजबूत रहें, अंदर से मजबूत रहें, गर्म रहें अंदर से, ताकि उन्हें आने वाली बीमारियों से वो प्रभावित ना हों। और यदि ऐसी जो है एक ये इन्फेक्शन होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट के संपर्क में आने से जो है ना एक दूसरी मुर्गी के संपर्क में जाएंगे, दूसरी मुर्गी को जो ना वो बीमार कर देंगे, आप जो सेपरेट करें उसका जो है थोड़ा सा अलग उसका जो है एक ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट में उसका जो है ना जो यदि आपके मुर्गे को जो ना नजला भी जा रहा है मतलब जैसे कि, तो मैंने उन्हें दो तरीके बताए थे मेरे भाई को। एक तरीका बताया था मैंने उन्हें कि आप जो ना लहसुन की मुर्गा उनके पास में लगभग आप वीडियो में देख जैसे कि आपने देखा तो उसने 3 या 4 कली लहसुन के दे सकते हैं और 2 दे सकते हैं लौंग, ये ना उसका इम्यून सिस्टम जो ना वो बूस्ट कर देगा अंदर से, जो वो गर्म हो जाएगा जो भी मुर्गा या मुर्गी वो परेशान है, तो उसे जो ना 4 कलियां लहसुन की और जो है 2 आप दे सकते हैं उसे वो लौंग। ठीक है, लौंग देने के बाद में आप इसमें जो ना इंग्लिश मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा देसी। इंग्लिश मेडिसिन में आप जो है उन्हें बेटनासोल, बेटनासोल का टैबलेट की जो ना आप जो है ना हाफ कर दें, हाफ टैबलेट अपने मुर्गे को दे सकते हैं, और उसमें जो ना आप लैक्सिन पाउडर की छोटी सी चुटकी जो है ना आप जो है एक पानी में सेक कर लें, सिरिंज में सेक करने के बाद में आप अपने मुर्गे को चोंच खोलकर डायरेक्ट उसके मुंह में डाल सकते हैं। ये आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, एक टाइम आपको देसी इलाज करना है और एक टाइम आपको जो है वो इंग्लिश वाला मेडिसिन करना है। आपको जो ना सिर्फ ये 2 दिन में जो ना आपका मुर्गा जो ना वो बीमारी से बिल्कुल फारिग हो जाएगा, बिल्कुल जो ना आपको लगेगा हाँ हमारे मुर्गे को जो ना फुर्सत है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी मेरे पास जो मैंने अपने मुर्गे को जो है मेरे भाई को मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज्यादा समझदार हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।